ओके गाइस, तो हमने कई क्वेश्चंस किए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेस्ड पीडीएफ एफडीडी के पीडीएफ बोर ऑफ पीडीएफ लगाया ना वही दिमाग में चल रहा। तो आज हम लोग नीट प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आया वो करने वाले हैं, ठीक है। तो माय नेम इज आमिर गाइस, मैं कोटा के मोशन में भी पढ़ाया हूँ, करियर पॉइंट में भी पढ़ाया हूँ। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। जो देखो RPMT मतलब राजस्थान PMT में आया हुआ, और AIPMT मतलब नीट में आया हुआ। राजस्थान PMT पहले होता था, अब नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा जा रहा है कि जब भी इसको फ्री करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा। ये जी की फॉर्म में बोल रहा आंसर, और यहाँ पे जी बोल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये 10 kg का है तो नीचे 10G लग रहा होगा, और ये 5 का है तो नीचे 5G लग रहा होगा। ये कन्फर्म है, ऑब्वियस सी बात है, 10G बड़ा है 5G से तो राइट साइड मूव करेगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा 10G - 5G, विच इज 5। ये हो गया नेट फोर्स। और अपने को पता है जब भी एक्सेलरेशन निकालना हो, एक ही स्ट्रिंग अटैच हो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। कई बार हमने इस फॉर्मूला को रिपीट किया, राइट। तो नेट फोर्स है 5G और टोटल मास है कितना, 15। तो इससे कैंसिल होगा, G/3 आया हमारा आंसर, और G/3 ऑप्शन सी दिया हुआ है। सिंपल सा, नेट फोर्स बाय मास इज इक्वल टू कॉमन एक्सेलरेशन, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला हम 4 नंबर स्कोर कर चुके, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या बोल रहा है ये, समझना बच्चों। ऐसे टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, नो डाउट। पहला वाला क्वेश्चन तो चलो बहुत ईजी था, पर ये ना ईजी नहीं है, तो सोचना पड़ेगा। कह रहा है एक मंकी मास 20 kg है, ठीक है, एक वर्टिकल रोप को पकड़ा हुआ है। The rope will not break when mass of 25 kg attach. अगर 25 kg attach करता हूँ, 25 kg, तो वे इसमें जो टेंशन आएगा वो 250 न्यूटन आएगा। 25 kg का ये मतलब है, तो 250 न्यूटन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता रस्सी। और एक मंकी है जो 20 किलो का है, 20 किलो का मतलब वेट उसका 200 न्यूटन होगा। अब बोल रहे है कि What is the maximum acceleration of monkey can claim up so that rope will not break and rope can sustain, और रोप में वो चढ़ सकता है कितना maximum acceleration से। एक रस्सी है उसमें 250 न्यूटन मैक्सिमम आप लगा सकते हो। अगर मैं मंकी को सिर्फ लटकाता हूँ जिसका मास 20 किलो, तो 200 न्यूटन यही हो गया, बचा 50 न्यूटन। उस 50 न्यूटन के भरोसे ही जितना तेज चढ़ सकते हो, अगर थोड़ा सा एक्सीड करोगे तो रस्सी ब्रेक हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं FBD के थ्रू ये मैक्सिमम हैंडल कर सकता है। T जो है नीचे 200 है, मेरे को ऊपर लेके जाना है A से, तो वो A कितना हो सकता है। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा T - mg इज इक्वल टू ma। T मैक्सिमम कितना हो सकता है, 250। mg कितना है, 200, इज इक्वल टू मास कितना था मंकी का, 80 * a। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 250 - 200, ये आएगा 50, 50/80। तो ये एक ही वैल्यू आएगी, समझ में आई बात। नहीं भाई 80 नहीं था यार, ओनली 20 था, 20 20। तो ये है 5/2 m/s², समझ गए। तो 5/2 m/s² से ये मैक्सिमम चढ़ सकता है। अगर इससे ज्यादा आप तेज ऊपर चढ़ाओगे तो रस्सी तुरंत टूट जाएगा। इसके नीचे आप कहीं भी से चढ़ सकते हो, पर अगर मैक्सिमम की बात करें, ये मैक्सिमम, तो वो हो सकता है 5/2 m/s². यहाँ मैक्सिमम वर्ड हटा के वो ऐसे ना, ये इसको भी हटा दे और यहाँ मान ले लिख दे 1.5 m/s², तो ये आंसर पॉसिबल है, क्योंकि वो 0.1 से लेकर ऊपर 2.5 तक तो किसी भी एक्सेलरेशन से चढ़ सकता है, रस्सी नहीं टूटेगा। टूटेगा अगर 2.5 से आगे बढ़ो। आई होप कि कभी कभी वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, थोड़ा सा लॉजिक उसमें रखेगा यार, थोड़ा सा हिडन कॉन्सेप्ट रहेगा, आप उन बातों को ध्यान देना, पर यार उतना मुश्किल नहीं है ना। हाँ जी बॉस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बंटा। ये मेन वेट 80 किलो, ही स्टैंड ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 m/s², व्हाट वुड बी दी रीडिंग ऑन द स्केल। देखो अगर मैं स्केल पे एक बंदे को सिर्फ खड़ा कर दूं जिसका मास 80 किलो है, तो वो रीडिंग में रिएक्शन नॉर्मल जो देगा वही रीडिंग हो, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा 800 न्यूटन, अगर मैं जी की वैल्यू 10 लेता हूं। तो
तो ये तो कंफर्म है कि अगर लिफ्ट सिर्फ सिर्फ खड़ा रहे तो जो वेइंग मशीन है वो 800 न्यूटन का रीडिंग मेरे को देगा। अगर मैं लिफ्ट को ऊपर मूव कराता हूं तो नॉर्मल ऊपर, एमजी नीचे, और ये ऊपर मूव कर रहा है ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो मैं लिखूंगा एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी प्लस ए, ये 80, जी कितना है 10, प्लस ए कितना है 5, तो हो जाएगा 80 × 15 विच इज 1200 न्यूटन। तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वेइंग मशीन पे वो आएगा 1200 न्यूटन। आई होप क्लियर है। अगर वो नीचे जाता तो वेइंग मशीन का रीडिंग घटता, और तेजी से ऊपर एक्सलरेट कराएगा तो और रीडिंग बढ़ेगा। क्लियर है, मुश्किल नहीं है, आपको बस नॉर्मल रिएक्शन निकालना था। आपको वेइंग मशीन कैसे काम करता है ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अगर ये नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज इंक्लिनेशन थीटा, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। ओके, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऑप्शंस पुराने वाले लग रहे हैं, इससे पहले जो ऑप्शन था वही इस पे छपा हुआ है। यार ये पीडीएफ जो बनाता है ना काम ढंग से नहीं कर। चल देखो, बोल रहा है कि एक इंक्लाइंड वेज जैसे थीटा एंगल पे, इस पे एक मास एम रखा हुआ, अ ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप, फ्रिक्शन है नहीं, तो क्या करेंगे। अगर मैं इस वेज को इधर एक्सलरेट करा दूं तो अभी चांस है ये स्मूथ सरफेस पे रुक सकता है, तो फोर्स एग्जर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। ठीक है, तो अगर ये वेज इधर जा रहा होगा ए से, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा एम ए इस डायरेक्शन, राइट, वही इस पे रोके हुए, क्लियर है ना। देखो इधर लग रहा होगा एम जी, इधर लग रहा होगा एम जी साइन थीटा, और इधर लग रहा होगा एम जी कॉस थीटा। ठीक, ये थीटा है ना, ये भी थीटा, ये 90 − थीटा, ये 90 − थीटा, ये एम ए, तो ये एम ए कॉस थीटा, और ये एम ए साइन थीटा। ये सुनो, तो अगर ये वेज के रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा तो एम जी साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा आपस में बराबर होगा, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, एम से एम कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉस साइन डिवाइड होगा तो हो जाएगा जी टैन थीटा, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, राइट। मेरे को क्या निकालना है, फोर्स एग्जर्टेड बाय द वेज, मतलब यहां जो नॉर्मल रिएक्शन है वो मेरे को निकालना है। तो ऑफकोर्स ये बॉडी ऊपर भी नहीं जा रही, तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा के, तो हम क्या लिखने वाले हैं, नॉर्मल विल राइट, नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, राइट, एम ए की वैल्यू कितनी आई, जी टैन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, यही आया अभी तक, यस। इसको लिख सकते हैं क्या, एम जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, राइट। इसको और क्या सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, कुछ छूटा है, यस, ये साइन थीटा, एक वैल्यू जी टैन थीटा है ना, साइन थीटा तो यहाँ रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा एम जी साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम जी कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ से एम जी कॉमन ले लेंगे तो ये 1 बन जाएगा, है ना, हो जाएगा एम जी बाई कॉस थीटा, ये आ जाएगा आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब क्योंकि उसकी मैं ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो बता नहीं सकते कुछ,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगेन ग्राफिकल क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ग्राफ आते ही थोड़ा सोचना पड़ेगा। केरा इन द फिगर बिलो द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज शोन द इम्पल्स एट इज इक्वल टू 0 सेकेंड। तो आपको जब आपने लॉज ऑफ मोशन में स्टार्टिंग में पढ़ा होगा या तो मोमेंटम पढ़ा होगा, उसमें इक्वेशन पढ़ा होगा इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, जहां पे लिखा होगा इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ये पढ़ा होगा, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालता हूं तो मेरे को इम्पल्स पता चल जाएगा, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बच्चे, ये होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट। मैग्नीट्यूड की बात करें तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो 0 इक्वल टू 2 सेकेंड पे फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, देखो 0 हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। 0 सेकेंड पे इसका ये जो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी इस टाइम पे इनिशियली वेलोसिटी यही थीटा होगा, मतलब टैन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, ये इंक्लाइनेशन होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं 4/2 विच इज 2 m/s², क्योंकि टैन थीटा वी को बताता है। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो है 2 m/s और फाइनली 0 हो गया। वेलोसिटी की बात करें मास, तो उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.1, तो ये हो जाएगा 0.2 kg/s इनिशियल मोमेंटम, फाइनल 0। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 0 - 0.2 करेंगे तो -0.2 आ जाएगा, तो ये +0.2 है, ये -0.2 है, ये आएगा आंसर। समझ में आया क्या कि हमने टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी निकाला, टी इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी निकाला, तो टी इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया, तो वेलोसिटी 0 होगी, तो मोमेंटम भी 0 इनिशियली था, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, तो मेरे को आंसर मिल गया, राइट। मूविंग फॉरवर्ड फॉर क्वेश्चन नेक्स्ट एंड विच इज क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक 6 7, इतना ही क्वेश्चन करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे बच्चों। ऑलराइट, तो क्या बोल रहा है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन एलिवेटर विच इज इन विच सिचुएशन ही फाइंड हिज वेटलेसनेस। ओके, तो व्हेन द एलिवेटर मूव अपवर्ड विथ कॉन्स्टेंट एक्सेस, देखो अपवर्ड मूव करेगा तो वेटलेसनेस नहीं होएगा, वेटलेसनेस का मतलब है आप फील करो फ्री फॉल कंडीशन को। व्हेन एलिवेटर मूव डाउनवर्ड विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, व्हेन एलिवेटर मूव अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन एलिवेटर डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यार इसमें थोड़ा सा ये है कि जब वो एक्सलरेट कर रहा होगा कितना से नीचे, विथ इक्वल टू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उतना से अगर ये एक्सलरेट कर रहा होगा तो डेफिनेटली फ्री फॉल कंडीशन को वो फील करेगा। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन एलिवेटर इन विच सिचुएशन ही फाइंड्स हिज वेटलेसनेस, तो कब करेगा, जब वो मूव कर रहा होगा डाउनवर्ड विथ, किससे करेगा बोलो, उतना एक्सलरेशन से जितना एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। और एक और क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, और क्वेश्चन क्या है कि ये 30 डिग्री है, अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये 60 डिग्री होगा, अगर ये एमवी है तो आने वाला एमवी होगा, जाने वाला माइनस एमवी होगा। तो बोरा चे 0.5 kg बॉल वेरी विद स्पीड 12 m/s स्ट्राइक एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल, इफ रिप्लाई विद द सेम एंगल ऑफ बॉल कॉन्टैक्ट वॉल 0.2 सेकेंड, द एवरेज फोर्स एक्टिंग, आया गया सेम स्पीड से, आया सेम स्पीड पे गया, तो आपको एवरेज फोर्स बताना, एवरेज फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो इनिशियल मोमेंटम इधर जो है एमवी है, तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा एमवी कॉस 60 डिग्री, इधर आएगा एम वी साइन 60 डिग्री, जब जा रहा होगा तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा माइनस एम वी साइन 60 और ये आएगा, मतलब ये इधर है ये भी इधर है तो एक ही होगा, और ये इधर जो आएगा वो माइनस एम वी कॉस 60 आएगा, तो इसका चेंज हो जाएगा 2 times mv cos 60, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो चेंज 0 हो जाएगा, राइट। वैल्यू पुट करेंगे 2 m कितना है 0.5, v कितना है 12, 1/2 ये 2 इससे कैंसिल, ये 10,
साठ 6 मीटर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड इंटू केजी, 6 केजी मीटर पर सेकंड। यार यूनिट भी ले लिया मेरा। तो ये आया इसका चेंज इन मोमेंटम, मेरे को चेंज इन मोमेंटम निकालना नहीं था, उसका रेट निकालना था, फोर्स। तो हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 0.25, ये ऊपर जाएगा 2 0 625 को कैंसिल करेंगे, यार कितना बार में कर सकते हैं, 4 24 न्यूटन, 24 न्यूटन इसका आ गया। यार कैलकुलेशन बजा देता है। और अगर तो आई होप कि आप समझ चुके हैं कि क्या सिचुएशन है और क्या कर सकते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन मैं लॉज ऑफ मोशन के दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, अगेन आई विल गिव यू 6 to 7 or 8 क्वेश्चन, सो दैट हम लोग नो बाय द टाइम सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर गाइस।